Hey cowboys, welcome to you guys review. और सबसे पहले यार थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की वजह से ही मेरे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो पाए हैं। बस अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखना और जल्दी से 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो यार। तो बस आज की वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है इसके बारे में, लेनोवो A7 के बारे में। मैंने यार इसको बहुत ज़्यादा दिनों के लिए यूज़ किया है। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब तारीख है 30 नवंबर, और ये मेरे घर डिलीवर हुआ था 13 नवंबर को। तो ऑलमोस्ट मैंने इसको 15-16 दिन के लिए यूज़ किया है और अच्छे से मैंने इसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया है, और मैं इसके बारे में पूर्ण जानकारी आपको दूंगा। मैंने यार देखो टेम्पर्ड ग्लास भी चढ़वा लिया है आगे, और पीछे मैंने बैक कवर या कोई भी कवर नहीं लिया, क्योंकि पीछे इसके एक टेक्सचर है जिसकी वजह से स्क्रैच वगैरह लगने का तो कोई डर है नहीं। तो बस आज की वीडियो में मैं आपको इसके अनबॉक्सिंग और इसके कुछ फीचर्स को अपने हिसाब से रेटिंग दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को आगे एंजॉय करो। तो चलो यार बस इसके अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। और ये साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे भी बार कोड वगैरह साइड में लिखा हुआ है लेनोवो A7। और ये इसके बारे में मेन जानकारी, 4 GB की रैम, 64 GB स्टोरेज, कलर ब्लैक। ये पता नहीं क्यों मोटोरोला ने बनाया और बेच लेनो वो रही है। और हथियार तो देखो मेरा अनबॉक्सिंग के लिए। और ये हो गई सील ब्रेक। पता नहीं मैंने इतना लेट बॉक्स क्यों खोला। और ये खुला अलग ही स्टाइल से। सबसे पहले हथियार को साइड में करो, फिर फोन को साइड में रखो, और अभी देखो बॉक्स कंटेंट्स, जो कि काफ़ी नॉर्मल से हैं। एक ये कागज पत्रिका जिसको कोई पढ़ता नहीं है, और काफ़ी नॉर्मल सा ही चार्जर है, सारे फ़ोनों के साथ आता है, जो फास्ट चार्जर नहीं है ये। और ये काफ़ी छोटी सी केबल है। पता नहीं यार आजकल सारे फ़ोनों में केबल की लेंथ घटाते जा रहे हैं। माइक्रो USB वाली केबल ही है, नॉर्मल सी, पर बहुत ज़्यादा छोटी है, मेरे प्लग पॉइंट से पहुँचती भी नहीं फ़ोन तक। और ये पता नहीं क्यों मेरे को अजीब बात लग रही है, बैटरी साइड में क्यों दी उन्होंने, फ़ोन में क्यों नहीं दी। और ये क्या, मैंने यार पता नहीं अनबॉक्सिंग करते टाइम ये क्यों दिखाई साथ में। और मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कोई इसे पढ़ता नहीं है। अब देखो फोन की स्पेसिफिकेशंस, 4000 mAh की बैटरी है, 13+2 MP का डुअल कैमरा है, पीछे ऑक्टा कोर प्रोसेसर, फिंगरप्रिंट, 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड। और ये कागज बरकरार रहना चाहिए। वाह, मैं भी दिख रहा हूँ फोन में, इतना चमक रहा है नया नया फोन। एक काफी नॉर्मल सा कैमरा है जो अच्छी सेल्फी भी नहीं लेता। यहाँ ये टेक्सचर मेरे को काफी पसंद है, पर जब इस फोन को हाथ में पकड़ते हैं तो पता नहीं क्यों प्रीमियम फील आती नहीं यार, ऐसे लगता है कोई सस्ता सा फोन पकड़ रखा है। हाँ एक्चुअली है भी सस्ता ही। ये कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, और नीचे था एक स्पीकर, ये चार्जिंग पोर्ट, और साइड में एक माइक्रोफोन। बस लेफ्ट साइड पूरी खाली, ऊपर 3.5 mm का ऑडियो जैक, पावर लॉक अनलॉक बटन और वॉल्यूम रॉकर्स। हाँ ये काम मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है यार, ये पता नहीं 5-6 साल पुराना डिज़ाइन है, इन्होंने 2020 में ये क्यों रखा है। और एक तो इतना टाइट है, खुल भी नहीं रहा था तब मेरे से। ये देखो कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है यार, तुम फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। ये देखो 2 SIM कार्ड के स्लॉट है और 1 माइक्रो SD कार्ड का, और यहाँ पे डलेगी अब ये बैटरी। यार एक बात समझ नहीं आई कि उन्होंने ये बैटरी फोन में क्यों नहीं दी, अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना।
ये देखो इतना पुराना डिजाइन है कि मैं बैटरी डालनी भी भूल गया था। खुद की बेइज्जती करने में भी बहुत मजा आ रहा है। क्या कहते हो, एक रोस्टिंग चैनल भी खोल लूं क्या मैं? ये हो गया है पावर बूट, लेनोवो पावर्ड बाय एंड्रॉइड। ये सेटअप वेटअप मैं कर लेता हूँ, फिर डायरेक्टली मिलूंगा आपको फोन बूट होने के बाद। बाय बाय। सबसे पहले ओवरव्यू से स्टार्ट कर लेते हैं। तो डिस्प्ले को मैं दूंगा 4 out of 5, क्योंकि यार ठीक ठाक डिस्प्ले है, डिस्प्ले में कोई दिक्कत एज सच है नहीं। और फिर आ जाते हैं कैमराज पे। तो कैमराज को यार मैं 3.5 out of 5 दूंगा, क्योंकि यार डे लाइट में और आउटसाइड लोकेशन में तो बहुत ज़्यादा अच्छी फोटोज़ आ जाते हैं, लेकिन जब घर के अंदर फोटो खींचते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट ऑन करके खींचे, तो वो इतनी अच्छी नहीं आ पाती है। और नाइट फोटोग्राफी की तो पूछो ही मत। तो इसलिए कैमराज को 3.5 out of 5। तो अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की। फिंगरप्रिंट सेंसर को भी मैं 4 out of 5 ही दूंगा, क्योंकि वो मेरे को ठीक ही लगता है, ज़्यादा लेट भी नहीं है, जल्दी भी नहीं है। अब देखो आपके सामने करके दिखाता हूँ मैं। थोड़ा सा लेट है पर चलेगा, इतना। प्राइस भी तो देखो यार, फिर मेन प्राइस भी बात जो मैटर कि है करता इस है। फ़ोन का प्राइस, वो तो और मैं जो बताना चीज़ भूल ही मुझे इसके गया। बारे में बिल्कुल अच्छी और नहीं लगी प्राइस है वो है यार इसका 7,800 पुराना सा हंड्रेड वो ओल्ड हाँ मैंने इसको फैशन ख़रीदा था डिज़ाइन सेवन जो थाउजेंड एट जिसका ये हंड्रेड में बैक केस और पूरा एम आर पी तो निकल आप जाता है, बॉक्स पे खुल देख जाता ही है पूरा सकते हो इधर से शुरू पीछे में। से, वो यार नहीं होना चाहिए था। अगर हम बात करें इसके इंटरफेस की तो वो है कुछ इस तरीके का। देखो आप लोग, इसमें यार कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स भी आए थे, वो मैंने डिलीट कर दिए। उनमें से बस एक ही एसफल्ट नेटरो रखा है, और ये मैंने खुद डाउनलोड किया था। और इसमें बस व्हाट्सएप डाउनलोड किया है, और तो कुछ डाउनलोड किया नहीं है। और एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका नोटिफिकेशन पैनल और सेटिंग्स। ये देखो आप लोग इसकी सेटिंग्स। क्यों ना एक छोटा सा गेमिंग टेस्ट भी हो जाए। ये गेम है एसफल्ट नेट्रो, और इसमें प्री इंस्टॉल्ड आया था। ग्राफिक्स का अंदाज़ा आप खुद लगा लेना, मुझे तो ठीक ही लगे। क्या कट मारा है, वाह। और ये गाड़ी घुमा दी। दूसरा गेम भी चला लेते हैं। अब आ गए हम अमंगस पे। नाम है काउबॉयज, और टोपी भी काउबॉयज वाली पहनी है। और कलर कर लेते हैं चेंज, ऑरेंज ठीक रहेगा। और हो गया शुरू, और हम हैं क्रूमेट। वाह, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है क्रूमेट होना। और चलो टास्क करते हैं। सबसे पहले एडमिन में कार्ड स्वाइप, जिसको ये गेम पता नहीं चल क्या रहा है, तो मैं क्या करूं। वाह, एक बारी में कार्ड स्वाइप हो गया, इतनी खुशी। जब एक बारी में कार्ड स्वाइप हो जाता है तो बहुत मज़ा आता है। और यार गेमिंग टेस्ट पे वापस आते हैं, और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो जो कम स्पेस लेती हैं वो गेम्स तो काफ़ी अच्छे से चल जाती हैं इसमें, लेकिन बड़ी गेम्स के साथ थोड़ी दिक्कत आती है। और मैं तो गेम ही खेलने लग गया, मैं भूल गया था कि मैं रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। बस यार इतना ही था इस वाली वीडियो में। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी कुछ वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे ऐसी मेरी वीडियोस की। बस यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।